नमस्कार दोस्तों। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ज़्यादातर टाइम में विवादों में घिरा रहता है। ऐसे में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को और एक बड़ा झटका दे दिया है आरबीआई। ऐसे में आरबीआई एक नोटिस जारी किए हैं, जिस नोटिस में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऐसे में हम लोग जो बैंकिंग की दुनिया में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, हम लोगों को यह सब जानना और अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हम लोगों के पास भी कई सारे सवाल कल से आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएंगे? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक से और हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं? तो इसका कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आरबीआई जो नोटिस जारी किए गए हैं, उस नोटिस के अनुसार क्या क्या रूल्स रेगुलेशन पेटीएम को अभी से मानना पड़ेगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से हम लोग क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 11 मार्च 2022 को आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस भेजता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है, जहां पर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट को खोल सकते हैं, जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। तो उसको जो है 11 मार्च 2022 को आरबीआई की तरफ से एक नोटिस पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भेजा जाता है। उस नोटिस में आरबीआई बताते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि न्यू कस्टमर आप ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, साथ ही आपको आईटी ऑडिट कराना पड़ेगा अपने सिस्टम से, उसके बाद हम लोग आगे कुछ फाइनल डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपको न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग का एक्सेस दे सकते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक बैंक के रूप में कार्य करते हैं, तो इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई का सभी रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक आईटी रिपोर्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट को आरबीआई को सबमिट करते हैं। अब आरबीआई उस ऑडिट रिपोर्ट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद 31 जनवरी 2024 को जब मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, उस दिन एक नोटिस पब्लिक करते हैं आरबीआई अपने ऑफिशियल वेबसाइट में। उस नोटिस में इस रिपोर्ट की जिक्र किए जाते हैं, जहां पर आरबीआई बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नॉन कंप्लायंस है, मतलब आरबीआई के दिए गए निर्देशों का, आरबीआई के दिए गए रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आरबीआई 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अंडर सेक्शन 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कई सारा रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कई सारा रिस्ट्रिक्शन लगाने के साथ साथ 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A सेक्शन कहते हैं कि आरबीआई किसी भी बैंक को किसी भी निर्देश जारी कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत कई सारा रिस्ट्रिक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लगाए हैं, जो कि एक एक करके मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन है, 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी तरीके का डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि वॉलेट ट्रांजैक्शन, फास्टैग ट्रांजैक्शन, एनसीएमसी कार्ड, ये सब ट्रांजैक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नहीं कर सकते हैं 29 फरवरी 2024 के बाद से। बट अदर, जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट आना हो, आपका कोई रिफंड आना हो, आपका कोई कैशबैक आना हो, इस टाइप्स का अगर कोई भी अमाउंट आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर सेविंग्स करंट अकाउंट में अगर आते हैं, तो वो 29 फरवरी 2024 के बाद भी आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दो नंबर यहां पर बताया गया है, जो भी बैलेंस आपके सेविंग्स अकाउंट में है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं 29 फरवरी 2024 के बाद से भी। मतलब जो भी पैसा आपके जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट में है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, वो पैसा को आप निकाल सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं या फिर आईएमपीएस कर सकते हैं या फिर उसका यूज़ आप कर सकते हैं। जब तक वो पैसा ख़त्म नहीं होता है, आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। और नया करके डिपॉजिट या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसमें नहीं किए जाएंगे 29 फरवरी 2024 के बाद से। इसके बाद यहाँ पर बताए गए हैं कि 29 फरवरी 2024 के बाद भी जो पैसा आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर करंट बैंक अकाउंट में है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज लिमिटेड का नोडल अकाउंट, अब नोडल अकाउंट किसको कहा जाता है, जो अकाउंट कंपनी का खुद का होता है, जो कि आरबीआई वगैरह एनपीसीआई वगैरह से लिंक होकर के जो अकाउंट बनते हैं, उसको नोडल अकाउंट कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में। उस अकाउंट को आरबीआई क्लोज करने वाले हैं, टर्मिनेट करने वाले हैं, और जो भी उनके सेटलमेंट अमाउंट रहेंगे, जो भी उनके बैंकिंग बैकेंड में काम होते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, वो सेटलमेंट अमाउंट 11 मार्च तक उसको कंप्लीट किया जाएगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पेटीएम में अगर आपका कोई अदर बैंक अकाउंट लिंक है, जैसे कि ICICI, HDFC या फिर कोई अदर बैंक अकाउंट लिंक करके आप UPI से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किए गए हैं, वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ये जो है रोक टोक लगाए गए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ओनली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जितने सारे लोग होते हैं, यहाँ पर जो डेबिट कार्ड भी इशू किए जाते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, ये सभी रिस्ट्रिक्शन ओनली पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, वो पैसा आप निकाल सकते हैं 29 फरवरी 2024 के बाद से भी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब तक वो पैसा खत्म हो जाते हैं, तो जितने सारे ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए, ये सभी ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं ओनली पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करके। तो यही जो है नोटिफिकेशन RBI की तरफ से दिए गए हैं, जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मानना पड़ेगा। और इस नोटिस को ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग टेलीग्राम में भी दे दिए हैं, अगर आप हम लोगों के टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट जाता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।